व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का कुछ वीडियो ऐसा होने वाला है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे, इट मीन्स अपने घर पे बैठे बैठे, मैं करने वाली हूँ क्वेश्चंस अपने फ्रेंड्स को और वो लोग देने वाले हैं आंसर्स उस चीज़ का। क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, तो देखते हैं कि वो लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर क्या होता है। तो ये वीडियो शूट करने के लिए हम स्पेशली ऑफिस में आए हुए हैं, टेरिस का ऑफिस है ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक इंट्रोडक्शन होगा मेरे फ्रेंड्स का, जो भी जिनको भी मैंने ये सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी किया है वो लोग का इंट्रोडक्शन होगा। तो आप लोग एक बार इंट्रोडक्शन देख के आओ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज समीर योर होस्ट एंड गोस्ट। एक्चुअली मेरा शो नहीं है। सो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। मेरा नाम समीर है। सो नाम तो सुना होगा एज यूजुअल। आई एम तृप्ति शेट्टी एंड आई एम रियाज फ्रेंड फ्रॉम लास्ट 7 to 8 ईयर्स। आई एम अमित मिश्रा एंड शी इज द मोस्ट क्रेजियस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर नोन। एंड जब से बनती मेरी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी उलट पुलट हो चुकी है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ हर प्लीज। माय नेम इज पल्लवी और रिया मेरी फ्रेंड, नाम तो सुना ही होगा। एंड हाय, आई एम प्रतीकांशा और मैं हूँ रिया की दोस्त। सो मैं और रिया मिले स्कूल में थे, हम सेम स्कूल में थे लेकिन हमने कभी बात नहीं की एक दूसरे को। जानते ज़रूर थे हम लोग बिकॉज रिया बहुत फेमस थी हमारे स्कूल में। सो या दिस इज़ हाउ वी मेट। सो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, सेकंड क्वेश्चन ये कि माय फर्स्ट इम्प्रेशन, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था मेरे दोस्तों पे, तो वो लोग बताएंगे आपको कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था। नेव एडमिशन आई वॉज ऑलवेज अलोन काइंड ऑफ, मैं अकेली बैठा करती थी। सो रिया एक दिन केम अप टू मी एंड उसने मुझसे बात की। शी वॉज लाइक कि क्यों अकेली बैठती है, हमारे साथ बैठा कर, विल चिल एंड लाइक दैट। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। बट हर फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज शी इज वेरी बबली, शी मेक्स एवरी वन लव बिकॉज आई न्यू उनका ग्रुप हमेशा हंसता हुआ रहता था, मतलब इनकी कोई कुछ ना कुछ मस्ती चलती रहती थी एंड यू कैन स्पॉट दैट रिया इज द मोस्ट मिस्चीवियस गर्ल इन द क्लास। रिया का फर्स्ट इम्प्रेशन, जब भी हम ऑफिस में थे, ऑफिस में हम बैठे थे एंड बेसिकली जो रिया थी वो मॉर्निंग के शिफ्ट में थी। हम तो रिया ने ऐसे हमने एंटर किया, हम वहाँ पे बैठे थे, रिया वहाँ पे बैठी थी, हमें लगा कि डूड ये कौन है लड़का। इट वॉज लिटरली हमें लड़का लगा कि ये कौन है लड़का। जब भी हमने आवाज सुनी तो लड़की थी, ये कैसे हो गया। जब वो आई थी ऑफिस में तो मुझे ऐसा लगा कि कौन सा छोटा बच्चा आ गया है, बट जब मैं उसके पास जाके बैठा तब समझा कि वो बच्चा नहीं बच्ची है। सो दैट वॉज अ क्रेजी पार्ट ओवर देयर। सो टू बी फ्रैंक, तेरा फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे लिए ऐसा था कि लड़की टॉमबॉय जैसे क्यों रहती है। थर्ड क्वेश्चन ये कि कोई भी एम्बैरसिंग मोमेंट जिस वजह से वो लोग मेरी वजह से जो वो लोग एम्बेरस हुए होंगे कभी भी, तो वो मोमेंट उन लोगों को याद करना है, बताना है आप लोगों को, तो मैं भी सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, आप भी सुन के। एम्बेरसिंग मोमेंट तो लाइक नहीं बोल सकती, बट देयर इज अ फन इंसिडेंट विच आई विल टेल यू। रिया इज अ वेरी टॉमबॉयश गर्ल, सो हमेशा ऐसे ही रहती है, टॉमबॉय कपड़े भी ऐसे, जूते चप्पल एवरीथिंग शी वेयर्स लाइक अ बॉय एंड वी लव हर फॉर दैट। ओके, शी इज वेरी अडोरेबल। सो वी यूज टू क्लिक पिक्चर्स एंड वंस आई अपलोडेड अ पिक्चर, सो रिया वॉज हियर एंड माई फेस वॉज हियर, सो वी वर लाइक दिस, लाइक रिया इज हियर एंड आई इज लाइक हियर। That picture I uploaded on my Facebook account and my family thought that this is my boyfriend, okay? Because no one knew that Riya is a girl, so that was quite embarrassing, but not embarrassing, it was a fun moment, just felt to share it. Embarrassing moment aisa to kuch hua nahi hai, aisa to basically kuch hai nahi embarrassing moment, but ha बहुत सारी मेमोरीज है जो हम लोगों ने भक्चौती की है ऑफिस में बैठ बैठ के। कुछ नए नए टेक्निक, सूर्या सीनियर थी, रिया ने बहुत सारी टेक्निक सिखाई थी हमें, कैसे ट्रैश मारना है, कैसे झोल झाल करना है, नाश्ता कैसे चुराना है, ये
ये सबसे बड़ी बात थी, नाश्ता नाश्ता के लिए हम झगड़ते थे। हाँ, सो फोर्थ क्वेश्चन कुछ ये है कि ऐसी कोई भी वियर्ड हैबिट के बारे में बताना है जो उन लोगों को पता है मेरे बारे में, और कोई भी ऐसी वियर्ड थिंग जो भी मैंने की होगी कभी भी और उन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हम दोनों के बीच की वियर्डेस्ट हैबिट गॉसिप, जो हर ऑफिस में होती है, और जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम बैठ के गॉसिप करना चालू। कॉलेज डेज में मेरे घर आई थी मेरी माँ, उसको जानती है बहुत अच्छे से, लाइक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो हमने लंच किया, हम बैठे थे एंड रिया वॉज अबाउट टू लीव, तो वो ऐसे ही मेरे बाजू में बैठी थी, जस्ट राइट बिसाइड में, एंड हम बातें कर रहे थे। एंड सडनली मेरे डैड आए। फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आप रिया को देखोगे तो यू विल ऑब्वियसली नॉट अंडरस्टैंड दैट शी इज अ गर्ल, मतलब विच इज अ टोटल टॉम बॉयश। सो उनको तो लगा कि ये तो लड़की है, सॉरी ये तो लड़का है, एंड वो तो ऐसे लाइक घूर रहे। इतने मम्मी ने इंट्रोड्यूस कराया कि शी इज रिया थ्रुप्तीज फ्रेंड, एंड देन यू आर लाइक ओ ओके देन शी इज अ गर्ल, एंड देन देयर वाज अ साइन ऑफ रिलीफ ऑन हिज फेस एंड दैट वाज क्वाइट वियर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि कोई भी अनोइंग चीज जो मेरी कोई भी बात जो और कोई भी ऐसी हैबिट जो उनको अनोइंग लगती होगी, तो कोई भी अनोइंग हैबिट देखते हैं कि क्या होता। ये लड़की खुद ही इतनी अनोइंग है, और लेकिन हाँ दिल की बहुत अच्छी है। देख रिया तेरे बारे में भी अच्छा बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना किसी बुराई बक बक कर रहा हूँ। रिया मुझे बहुत अनॉय किया करती थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उससे क्या किया था, उसने मेरा नाम बड़ा पाव रखा था, एंड वो लाइक यू इमेजिन मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज था मेरा, और मैं सबको किसी को नहीं जानती थी, एंड रिया न्यू मोस्ट ऑफ द लाइक गैंग, वो सबको जानती थी ज़्यादा कर कॉलेज में। तो उसने सबको ये बताया था, मतलब लाइक इफ शी यूज टू इंट्रोड्यूस मी, ये है तृप्ति वड़ा पाव। हाउ वुड यू फील लाइक तृप्ति, दिस नॉट बिकॉज आई लुक लाइक वड़ा पाव, ओके। ये इसीलिए बिकॉज कॉलेज के बाजू में कोई शॉप थी, उसका नाम था तृप्ति का वड़ा पाव, सो दैट इज हाउ द नेम केम अप विद, शी केम अप विद द नेम, बट दैट वॉज क्वाइट अनॉइंग, बट रेदर देन दैट मैं उसको बहुत अनॉय करती थी। क्वेश्चन ये है कि मेरा नाम तुम लोगों के फोन में क्या सेव है, वो मुझे बताओ। मेरे फोन पे तो रिया क्वांटिफाई मैंने सेव किया है, बिकॉज शी वॉज अ पार्ट ऑफ माई ऑफिस, एंड दैट्स व्हाई आई सेव्ड हर नेम एज रिया क्वांटिफाई। सो योर नेम इन माई मोबाइल इज रियू विथ हार्ट, यस रियू है। रियाज नेम इन माई फोन, ये बात रिया को भी नहीं पता है, सो दिस इज अ रिवीलिंग मोमेंट। तो रिया का नाम मेरे फोन में इज रियू शिनचैन, बिकॉज जस्ट लाइक शिनचैन शी इज अ लाइक पैकेज, वो क्यूट है, फनी है, ह्यूमरस है, हंसाती रहती है, बट शी इज समवेयर बहुत सॉफ्ट भी है, शाय है, शी इज एवरीथिंग, सो इसीलिए शिनचैन, एंड वो वैसी है। तो रिया का नाम मेरे फ़ोन में, हाँ, चिट्टी करके मैंने सेव किया हुआ है, क्योंकि मेरा नाम बिट्टी है तो बिट्टी से राइम करता है वो बिट्टी चिट्टी, तो इसलिए मैंने वो रखा हुआ है नाम। मोस्ट फेवरेट मेमोरी विथ मी तुम सबकी क्या है? ऑफिस में जब भी रहे, मस्ती मजा किए, खाना साथ में खाए है, जब भी देखो फोटो खिंचाते रहो। फोटो खिंचाना तो एक हैबिट था, इसको जैसे शाहरुख खान का एक पोज मिल जाए मार लो भाई, शाहरुख खान जैसे दिखती है लेडी शाहरुख खान। सो या दैट वाज द लाइक द फेवरेट मेमोरी दैट आई हैव विद हर। मेरे पास दो मेमोरीज है जो मेरी फेवरेट है। फर्स्ट जो अपनी जो हिल टॉप गार्डन में जो अपना कन्फेशन गेम था, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मेमोरी रही है अब तक। एंड सेकेंड अगर तू कोई बोलेगी तो वो बदलापुर की ट्रिप है, सो आई गेस इट वॉज अ बेस्ट ट्रिप। भी कॉलेज ख़त्म होता था उसके बाद हम कॉलेज से लेके आधे रास्ते तक हम लोग पैदल आते थे, और रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए सब खाते पीते आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, एंड आई रियली मिस दैट टाइम। और वो रास्ते से कभी भी अभी जाओ तो याद आता है कि हाँ भाई हम यहाँ पे आइसक्रीम खाते थे, यहाँ ऐसे
चिल करते थे, तो वो मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी है। आई रिमेम्बर कि हमारे ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, मैं नई थी कॉलेज में और मैंने जैसे पहले बताया मैं अकेली बैठा करती थी एक लड़की के साथ, मैं ज़्यादा मिंगल नहीं हुआ करती थी क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी एंड उस एक लड़की को जानने लगी, सो आई यूज टू सिट विथ हर। बट रिया एंड ऑल हैड अ गैंग, मतलब रिया का ऑलरेडी एक गैंग हुआ करता था जिसमें से काफ़ी दोस्त उसके कॉलेज स्कूल के थे, तो वो ऑलरेडी उनको जानती थी एंड वो लोग 6-7 लोग साथ में बैठा करते थे। एक दिन अचानक से रिया केम अप टू मी एंड शी इज लाइक कि तू क्यों अकेले उसके साथ बैठा करती, यू शुड सिट विद अस ना, मतलब हमारे साथ भी बैठा कर बातें किया कर, क्यों इतनी शांत रहती है। लाइक आई फेल्ट वेरी गुड कि यार मैं नहीं हूँ कॉलेज में, कोई सामने से आ रहा है, फ्रेंडशिप करना चाहता है, एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। सो दूसरे दिन जब मैं कॉलेज आई तो मेरी वो फ्रेंड नहीं आई थी, तो ये लोगों ने मुझे अपने साथ बैठा लिया ऑलरेडी कि नहीं आज अभी से हमारे साथ बैठना कि क्यों अकेले उसके साथ बैठा करती है। सो मैं बैठ गई इन लोगों के साथ एंड देन दैट फ्रेंड केम अप, वो कॉलेज में आई एंड उसने मुझे ऐसे पूछा कि चलो पीछे बैठते हैं हम साथ में, तो रिया झगड़ने लग गई उसके साथ कि बहन तुम कौन होते हो, तुमको क्यों बैठना है उसके साथ, वो क्या कहीं पे नहीं बैठ सकती, उसकी मर्जी है, क्यों नहीं बैठेगी। इट्स लाइक मतलब शी वॉज फाइटिंग फॉर मी और कि नहीं तू हमारे साथ बैठेगी, वो मतलब तुम्हारे साथ ही हमेशा क्यों बैठेगी, उसको हमारे साथ भी बैठना चाहिए। एंड दैट काइंड ऑफ मेड मी फील स्पेशल एंड शी ऑलरेडी वन माई हार्ट कि उसने इतने एफर्ट्स लिए, स्टार्टिंग डेज थे मेरे कॉलेज के, मैं किसी को जानती नहीं थी, बट दैट फाइट वॉज एपिक। ओके आई वॉज लाफिंग ड्यूरिंग दैट फाइट बिकॉज वो इतना झगड़ा करी थी उस लड़की से, यू कांट इवन इमेजिन। सो दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट मेमोरीज विथ हर। कुछ यूजलेस टैलेंट तुम लोगों के अकॉर्डिंग मेरे अंदर क्या है, प्लीज इज्जत रख लेना मेरी, मेरा मजाक मत उड़ाना। ओके देखते हैं। इसमें टैलेंट भी है क्या? मुझे लगा ये तो काफी यूजलेस है, बकचोदी करने के अलावा तो आई डोंट थिंक सो, बकचोदी ही सबसे बड़ा टैलेंट है इसका। सो या ओके, सो तेरा सबसे वर्स्ट टैलेंट है सिंगिंग, सो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है गलती से भी कभी सिंगिंग मत करना रिया। टैलेंट बहुत बेकार है क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनती, वो दुनिया की सारी बात सुनेगी लेकिन मेरी बात नहीं सुनना है उसको, तो मेरी ही बुराई करती है, मैं से ही मेरी ही बुराई करती है, मुझे मुंह पे बोलती है, तो ये टैलेंट उसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे वो सही बोलती है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता उसकी। जो भी उसका ये टैलेंट है जैसा, वो बहुत हंसाती है या शी इज़ क्वाइट ह्यूमरस, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बहुत अच्छा है, शी कैन मेक यू लाफ एट एनी टाइम। ओके किसी भी बात पे से वो हंसा सकती है, बट नाउ शी इज़ व्लॉगिंग, शी इज़ डूइंग इट ऑल, वो हंसा रही है, यू कैन सी इट इन अ व्लॉग्स, अगर वो बातें भी करती है तो उस बातों में से आपको कहीं ना कहीं हंसी आ जाती है। सो यस, जो भी यूजलेस टैलेंट था उसका वो अभी यूज़ करिए। सो आई एम सबसे यूजलेस टैलेंट रिया के अंदर ये है कि काम कम करती है बातें ज़्यादा करती है, जहाँ पे गॉसिप मिला वहाँ पे रिया पहले रहती है। गॉसिप करना तो वैसे भी लड़कियों की आदत ही रहती है, बट स्टिल उसे ज्यादा गॉसिप चाहिए रहता है, कोई तुम गॉसिप वर्ड भी बोल दो रिया सूंघ के वो आ जाएगी वहां पर। कुछ भी है मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसी स्पेशल थिंग जो कभी तुम लोगों को ऐसी लगी हो मेरे बारे में, या कोई भी ऐसी स्पेशल चीज जो मैंने कभी की हो, या जो भी स्पेशल है मेरे में, जो भी स्पेशल बता दो। थिंग अबाउट हर इज कि ये बंदी बॉन्डिंग सबके साथ बना लेती है और बहुत अच्छे से बनाती है, और शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड वेरी केयरिंग केयरिंग टूवर्ड्स अ फ्रेंड, सो आई कैन से दैट या इसे फ्रेंडशिप करना इतना भी बुरा नहीं है। स्पेशल थिंग इन रिया, जैसे मैंने बोला रिया बहुत फनी है, बहुत ह्यूमरस है, वो सब कुछ वो है, बट देर इज ऑल्सो अ ट्रू फ्रेंड, सो रिया विल डू एवरी थिंग टू मेक द फ्रेंडशिप वर्क। आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, लाइक मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड, हम हमारे बीच में कुछ हो गया था एंड सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड वी वर नॉट टॉकिंग टू इच अदर। रिया भी उसकी दोस्त थी, रिया उसके पास गई, रिया मेरे पास भी आती थी, हम दोनों के बीच में थिंग्स सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी एंड इट वर्कड। ओके मतलब उसने थिंग्स सॉर्ट आउट किए टू एक्सटेंड की हम लोग आज तक दोस्त हैं, मतलब टच वुड, आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हर इन माई लाइफ एंड शी इज़ अ ब्लेसिंग टू एवरी फ्रेंड।
इन हर लाइफ. आई रियली अडोर हर इज दैट कि वो फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू करती है, अपने फ्रेंड्स के लिए मतलब एकदम जान देने के लिए हाजिर रहती है कि मतलब बस मैंने इससे अगर फ्रेंडशिप की है दिल से तो मैं कुछ भी करूँगी, भले ही वो कितनी भी टायर्ड हो, उसका मन नहीं हो कुछ भी करने का, लेकिन दोस्तों से मिलने के लिए टाइमिंग प्लानिंग, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, हम लोग हमेशा टच में रहे एक दूसरे के साथ, हम लोग ग्रुप में ऐसे थोड़े अलग अलग हो जाते हैं फिर वो वापस हमें एक साथ ला देती है. सो ये स्पेशल चीज़ उसकी बहुत है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज वो फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है. लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो तुम लोगों के अकॉर्डिंग मुझ पर सूट होता और होगा. रिया के लिए ऑक्यूपेशन आई कैन से शी कैन ओपन अ टॉक शो. बकबक मतलब उसमें इतना बकबक है, इतना बकबक है, तो आई थिंक या टॉक शो वुड बी अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर हर. बेस्ट प्रोफेशन फॉर यू इज ब्लॉगिंग बिकॉज तू इतना पचर 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 करती है, तो आई गेस ये ब्लॉगिंग फिर तेरे लिए बहुत बेस्ट है. आई थिंक रिया को सबसे बेस्ट जो भी प्रोफेशन सूट करेगा दैट इज ऑफ अ कॉमेडियन. वैसे उसको एक्टिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्टर है, हर एक चीज में वो अपनी एक्टिंग ढूंढ लेती है, तो आई थिंक एक्टिंग उस पर ज्यादा सूट करेगी. मैडम जी अच्छा वीडियो बनाया ना मैंने, प्लीज ब्लॉग में एक चांस दे देना मैडम, प्लीज मैं प्लीज दे देना, यही मौका दे दो मैडम, ब्लॉग में एक चांस दे दो, इतना टैलेंटेड हूँ मैं, अच्छा तो दिखते एक चांस. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और जो कोई कुछ भी अगर नया आइडिया हो या कुछ भी न्यू ऐसा कुछ हो आपके पास में तो मुझे बताना भी मत भूलना. सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, और आगे भी देखने के लिए व्लॉग्स प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना. थैंक यू.